वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स एनडीए 1 2023 अ वेरी फ्यू डेज लेफ्ट। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं गुरकीरत आप सभी को देने वाली हूँ प्रीवियस ईयर के जो एग्जामिनेशंस हैं उनके एनालिसिस और ट्रेंड्स, और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एनडीए 1 2023 एग्जामिनेशन एनालिसिस ट्रेंड और आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। वीडियो के एंड में आपको टिप्स भी शेयर करूंगी कैसे आप एनडीए 1 2023 एग्जाम में एक्सेल करके अपने इस ड्रीम को अपने पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। सो हाँ जी एस्पिरेंट्स, आइए अब डिटेल में हम बात करेंगे अबाउट द एग्जामिनेशन ट्रेंड ऑफ एनडीए। जिस भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके प्रीवियस ईयर का ट्रेंड एनालिसिस कर लेना। क्यों? क्योंकि वही तो हमारी एक नींव या बेस का काम करता है इस प्रेजेंट ईयर के लिए, इजंट इट। तो आइए सबसे पहले हिस्ट्री में चलते हैं अबाउट द कट ऑफ्स एंड द फाइनल कट ऑफ मार्क्स ऑफ द लास्ट 10 इयर्स ऑफ एनडीए एग्जामिनेशन, और फिर उसी के बेसिस पर मैं आपको इस ईयर का भी ट्रेंड एनालिसिस देने वाली हूँ और कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी। इस समय आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें इंडिविजुअल लेवल पे मैंने रिटन एग्जामिनेशन के जो मार्क्स हैं फ्रॉम द ईयर 2013 इस चार्ट में इंक्लूड किए हैं। आप देख सकते हो कि एनडीए का जो एग्ज़ाम है वो टोटल जो रिटन एग्ज़ाम है वो 900 मार्क्स का होता है, ठीक है एस्पिरेंट्स। और यहाँ पे 2013 से यदि आप चेक करें तो करीबन 333 मार्क्स फर्स्ट वाले एग्ज़ाम में, 360 का कट ऑफ गया था सेकेंड एग्ज़ाम में। 2014 की आप देखेंगे तो 360 मार्क्स फर्स्ट एग्ज़ाम में, 283 मार्क्स NDA 2014 में कट ऑफ गया। इसी तरीके से 15 में आप देख सकते हैं 306 फर्स्ट एग्जाम में गया और सेकेंड वाले में 269 गया। अगेन 16 में हम देखें 288 फर्स्ट में गया, 229 सेकेंड एग्जाम में गया, और मुझे लग रहा है 288 अभी तक का जो हमारा पूरा चार्ट है इसमें से सबसे लोएस्ट, अगर मैं NDA 1 की बात करूं तो यही स्कोर है। और 2016 के सेकेंड एग्जाम का 229 मार्क्स, ये भी अभी तक का लोएस्ट स्कोर है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस उसमें गलत फैमिली में मत रहेगा, अभी के हिसाब से इतना लो कट ऑफ नहीं रहेगा, क्लियर। 2017 में अप्रॉक्सीमेटली 340 मार्क्स के आसपास रहा और 258 मार्क्स NDA 2 में रहे। 2018 से आप देख सकते हैं फिर ग्राफ जो है कहीं भी 200 के आसपास नहीं आया, सब 300 अबव ही रहे हैं। 338 मार्क्स 2018 में फर्स्ट में और 325 मार्क्स सेकंड वाले में रहे। 2019 में भी 342 और 346 सेकंड में रहे। 20 में भी क्योंकि दोनों एग्जाम्स इकट्ठा हुए थे एनडीए 1 एनडीए 2 तो 355 दोनों की कट ऑफ सेम रही। 2021 की देखें तो 343 मार्क्स फर्स्ट वाले में, 355 सेकंड वाले में। तो आप देख सकते हैं अगर हम इधर रीसेंट ईयर्स की बात करें, क्योंकि मैंने आपको 10 ईयर्स का एनालिसिस दिया है, अगर हम रीसेंट 5 ईयर्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो स्कोर है वो 340 से लेके 355 के बीच तक का रहा है, राइट एस्पिरेंट्स। तो ये एक एनालिसिस हमने ले लिया कि जो हमारा लगभग का कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं इस रेंज के बीच में रहता है। बट द रियलिटी ऑफ द नेशनल डिफेंस एकेडमी टेस्ट इज नॉट जस्ट द रिटन एग्जामिनेशन। मैं हमेशा कहती हूँ कि इस कोटेशन को आप याद कर लीजिए, दैट एनडीए रिटन प्लस एनडीए SSB recommendation is equals to the final selection। यही है आपकी पूरी कोटेशन। 900 प्लस 900 यानी 1800 नंबर के लिए आपको तैयारी करनी है, ठीक है। सिर्फ रिटन से आपकी जंग नहीं जीतने वाली है। हाँ, और यहाँ पे सेकंड सैड रियलिटी में ये भी बता दूँ, यदि ये मान के बैठे हो कि बस कट ऑफ के लिए तैयारी करनी है तो बेटा सिलेक्शन भूल जाइए। आई मे फील आपको इस समय लग रहा होगा कि ये किस तरीके से मैम बोल रही है, लेकिन मैम सही बोल रही हैं, दिस इज़ द रियलिटी। आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि 340 से 355 के बीच में मैं नंबर ले आऊँ और मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा तो बच्चा दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। वट यू हैव टू डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर NDA की मेरिट लिस्ट में आना है, इस बार गर्ल्स भी है और पिछले एग्जाम से गर्ल्स भी जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर हुआ है आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन टफ हो गया है। पहले सीट ज़्यादा थी, अब 19 सीट उसमें से माइनस हो गई, लेकिन फिर भी आपको दिमाग में क्या रखना है कि आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए और उस एक सीट के लिए ही आपको फाइट करना है और तैयारी करनी है। तो यहाँ पे जब मैं अगर आपको चलो डेफिनेटली कट ऑफ के लिए बोल रहे होगे तो मैं बता देती हूँ कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। इस बार आप मान के चले बच्चे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 345 से ले लीजिए और आप 360 के बीच की मान के चलिए, ठीक है। 345 के ऊपर जा सकती है, 355 के ऊपर भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन। सो एस्पिरेंट्स, आपने इस रेंज के अंदर तो चलो एग्जाम क्लियर कर लेना है, लेकिन अगर मेरिट लिस्ट में आना है और सच में एनडीए एग्जाम ज्वाइन करना है
तो आपको नंबर तो भाई ज़्यादा लाने होंगे। और सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में हम आपको कट ऑफ के लिए नहीं पढ़ाते हैं, हम आपको मेरिट ऑर्डर में अच्छी रैंक दिलाने के लिए पढ़ाते हैं, हम आपको आपके फाइनल सिलेक्शन दिलाने के लिए पढ़ाते हैं। सो अब अगर मैं इस बार के ट्रेंड एनालिसिस पे आ जाऊँ तो मेरी माननी है और अगर मुझे फॉलो करना है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने एनडी एग्जामिनेशन में अगर अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है तो पूरे प्रयास से आपने 450 प्लस मार्क्स तो एटलीस्ट एस्पायर करने हैं हर हालत में। लेकिन मैं तो 450 में खुश नहीं हूँ। आप अगर खुश करना चाहते हैं अपने आप को और सच में आप चाहते हैं कि हाँ इस एग्ज़ाम को मैंने जी जान से तैयारी करके निकालना है तो 550 प्लस का आप एस्पिरेशन लेके चलिए, वरना उसके नीचे में मज़ा नहीं आने वाला भाई। ज्वाइन करना भी है फिर पता चला नंबर एनडीए के रिटर्न में कम हो, उधर एसएसबी में भी बस रिकमेंड हो गए हैं, ज़्यादा नंबर होगा उधर भी पता नहीं रहता क्योंकि एसएसबी के नंबर हमारे हाथ में नहीं है। फिर भैया जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है मन में धुत्तू बनी रहे तो उससे अच्छा है कि भाई रिटर्न एग्ज़ाम ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसका रिजल्ट इसके मार्क्स आपके हाथ में है, ये आप अपने हिसाब से मॉड्यूलेट कर सकते हैं। आप एसएसबी मार्क्स एसएसबी रिकमेंडेशन अपने हाथ में नहीं है आपके, ये मैं आपको बता दूं। तो रिटर्न एग्जाम में अभी भी मौका है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल के आपको 15 दिन मिल रहे हैं, आप क्वालिफाई करिए, आप इसमें जी जान से मेहनत करिए। अब जी जान से मेहनत के लिए आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, सिलेबस चॉइस सही होना चाहिए, उसके लिए एनालिसिस करना पड़ता है। नहीं एनालिसिस कर सकते हैं तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने अपने कोर्सेज लॉन्च कर दी हैं अप्रैल टारगेट के, तो आप उनको ज्वाइन करके बहुत इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी कोर्स की बात नहीं है, सिंपल थिंग इज आप एनालिसिस करिए, अगर आप वो खुद से कर सकते हैं तो फिर आप खुद से पढ़ाई करिए। अब आपको एक और लिस्ट दिखाना चाहती हूँ, ये लिस्ट आप देखो, होप अभी तक आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इस लिस्ट में आप देखो आपका फाइनल स्कोर आपको दिखेगा। अब फाइनल स्कोर कैसा है आप देखो, 2013 से कंपेयर करो तो करीबन 698 ये फाइनल है एसएसबी प्लस रिटन मार्क्स को मिला के, यानी जो लास्ट बच्चे जो लास्ट कट ऑफ में बोलूंगी यानी फाइनल कट ऑफ दोनों को मिला के जो बच्चों की मेरिट बनती है ये मिनिमम स्कोर होता है। और मैं पीछे नहीं जाऊंगी, अब सिर्फ आप 2021 के दो स्कोर्स को देख लो, एक है 709 और आपका दूसरा स्कोर है 726, एनडीए 1 2021 का 709 726, यानी एनडीए की रिटन प्लस एसएसबी 1800 नंबर में से जो बच्चा इतने नंबर लास्ट बच्चा इतने नंबर ला रहा है उसके ऊपर के सभी बच्चे मेरिटिन है, यानी 726 नंबर अगर आपके एनडीए एग्जाम में है तो आप लास्ट बच्चे होंगे उस एग्जाम में। क्या आपको लगता है कि इसमें आप एनडीए ज्वाइन कर पाएंगे, आपसे आगे कितने बच्चे और रिकमेंड होते हैं? सो ये ही आपको टारगेट करना है कि आप टॉपर्स के मार्क्स देखिए कितने अच्छे मार्क्स एनडीए के टॉपर स्कोर करते हैं। मैं बगल में अभी लिस्ट कर दूंगी एनडीए के टॉपर्स के मार्क्स, तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि लगभग किस रेंज तक आपको स्कोर करना है। तो मेरी माने टारगेट करिए 550 मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन, और एसएसबी में यदि आप कहीं 400-450 नंबर ठीक है या फिर नहीं तो 350 के ऊपर नंबर भी पा लेते हैं तो आप अपना एनडीए की जो ज्वाइनिंग है उसको कंफर्म मानिए एट द नेशनल डिफेंस एकेडमी। दिस आई गारंटी एंड प्रॉमिस यू। होप मेरे इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, थोड़ी बातें आपको पिंच की होगी बट दैट पिंचिंग इज इम्पॉर्टेंट सो दैट आप जाग जाएं यदि आप इस समय नींद में हैं कि बस कट ऑफ मार्क्स ला के मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा नहीं है बच्चे। नाउ कमिंग ऑन द स्कोर बूस्टर टिप्स, देखो स्कोर बूस्टर टिप्स के लिए डेफिनेटली अभी मैं अपनी स्ट्रैटेजी बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ आप सभी से। तब तक के लिए मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि मैथमेटिक्स में आपको एनालिसिस का वीडियो का एक मैं लिंक नीचे ड्रॉप करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसमें प्रीवियस ईयर के एनालिसिस दे रखी है और लगभग वही ट्रेंड एनडीए यूपीएससी फॉलो करता है अपने एग्जाम पैटर्न को डिराइव करने में मैथमेटिक्स में, तो आप उसको फॉलो कर लेंगे होल हार्टेडली। सेकेंडली जब जीएटी की मैं बात करूंगी तो अपने इंग्लिश के ग्रामर प्लस वोकैबुलरी के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग रखिए, देखिए वहाँ पे आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, प्रैक्टिस करते रहें। एंड ऑन द सेकेंड पार्ट जो कि आपका जनरल स्टडीज़ जनरल साइंस से रिलेटेड है, उसमें यदि आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो अपने साइंस के सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करनी है, और यदि आप ह्यूमैनिटीज पोर्शन से हैं तो अपनी ह्यूमैनिटीज़ पे ज़्यादा अच्छे से वर्क कर लीजिए। करेंट अफेयर्स के लिए लास्ट 6 मंथ्स के करेंट अफेयर्स आग बंद करके आपने पढ़ के याद कर लेने हैं, दैट्स इट, एंड आप बहुत
बढ़िया से उसको क्वालिफाई कर लेंगे. करंट अफेयर्स की लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी. दैट वुड बी मोर देन एनफ. विद दिस एस्पिरेंट्स, होप आपको आज को ये वीडियो और ट्रेंड एनालिसिस अच्छा लगा होगा और समझ पाए होंगे कि एग्जाम में आपको कितने नंबर स्कोर करने हैं. एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि एनडीए एग्जाम, रिटन एग्जाम 300 प्लस 600 नंबर का होता है. दैट इज मैथ्स में कितने 300 मार्क्स, जीएटी में 600 मार्क्स. ठीक है, अब मैंने बोला 550 मार्क्स टारगेट कर लो, या तो मैथ्स स्कोर उठा लो या फिर GAT से स्कोर उठा लो. लेकिन हमेशा याद रखना दोनों एग्जाम्स में सेक्शनल कट ऑफ होती है, यानी कि यदि आप किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं, उनके सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाते, तो भी आपका एनडीए रिटन एग्जाम क्लियर नहीं होगा. अब ये सेक्शनल कट ऑफ का क्या सीन है, इसके ऊपर भी आइए चर्चा करते हैं. मिनिमम मार्क्स 25% आपको दोनों ही सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट स्कोर करने होते हैं, 25 से 30%. मैं एक्सपेक्टेड आपको 2023 का बता देती हूँ, 25% मार्क्स, यानी 300 के 25% मार्क्स तो आपको मैथ्स में लाने ही लाने हैं, और 600 के 25% मार्क्स तो आपको GAT में लाने ही लाने हैं, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे एनडीए एग्जामिनेशन के लिए. तो कोशिश करना है कि जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है उसमें 25% मार्क्स एटलीस्ट ले आइए, और जो भी आपका सब्जेक्ट स्ट्रेंथफुल है उसमें ज़्यादा मार्क्स गैदर करिए, ताकि आप एक अल्टीमेट अपने जो ड्रीम स्कोर है उस तक पहुंच जाए. थैंक यू एस्पिरेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा. विद अस अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिएगा. थैंक यू एंड जय हिंद.